हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की स्टूडियो में हम देखने वाले हैं, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, हाउ आई मेड 19k टू 101,000, यानी 20,000 के आसपास मेरा कैपिटल था और उसको मैंने ग्रो किया एंड अभी मेरा कैपिटल है 101,000, बट वो है सिर्फ एक दिन में। तो ये क्या है, एक दिन में पॉसिबल है क्या, इसके लिए क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, मैंने कहां कहां पे ट्रेड किया, किस प्रकार से किया, सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और विद द हेल्प ऑफ ऑल्गो मैंने कहां पे ट्रेड किया और रिजल्ट क्या है वो सब हम यहां पे देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सी चीज हमें फॉलो करनी चाहिए और कौन सी चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, इन सारे चीजों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड वॉच टिल एंड, सो स्किप आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो गोल्ड ऑल्गो है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, टाइम फ्रेम भी मैं यहाँ पे एक बार चेंज कर रहा हूँ, देखो 5 मिनट किया, अगेन 1 मिनट। उसके बाद मैं यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जा रहा हूँ और जो अपना प्राइवेट इंडिकेटर है इन्फोकट्टा एफएक्स ऑल्गो, तो यहाँ पे गोल्ड ऑल्गो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और गोल्ड ऑल्गो लगाने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है। सो आज का तारीख है 5th of November और आज के दिन में जो सिग्नल्स मिले वो आप बस देखो, उससे आपको एक्यूरेसी पता चलेगी। और एक बार ना आप मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कि आउट ऑफ दिस ट्रेड्स एक्यूरेसी कितना आ रहा है हमारा, ऑल्गो का एक्यूरेसी कितना आ रहा है, वो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो आज का पूरा दिन का देखते हैं हम, और डेली मैं ऐसे पूरे दिन के 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रील्स शेयर करता हूँ, आपने देखे ही होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो पहला ट्रेड हमें यहाँ पे मिला था लगभग सुबह 5:30 बजे, उसने 110 पिप का टारगेट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बाय ट्रेड मिला हुआ है, 54 पिप्स का टारगेट मिला हुआ है। यहाँ पे सेल बिलो का ट्रेड मिला था बट एक्टिवेट हुआ नहीं है लेवल, जिस प्रकार से हम ट्रेड करते हैं, जिनके पास ब्लूप्रिंट ऑफ गोल्ड है उनको ये चीज पता है, राइट। सो यहाँ पे एक बाय ट्रेड मिला है लेकिन उसने 20 पिप्स का एसएल यहाँ पे लिया है, एसएल काफी छोटा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड मिला यहाँ पे, 25 पिप्स मिल गए। फिर यहाँ पे बाय ट्रेड मिला हुआ है जिसमें 69 पिप्स मिल गए। ये बाय ट्रेड में मैंने ट्रेड किया था, जो 35,000 का प्रॉफिट मैंने किया था मॉर्निंग में, मैंने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। फिर लाइव चालू हुआ, लाइव पे ये ट्रेड हमारे सामने हुआ, इसको हमने लिया नहीं था बिकॉज ऑफ रेड जोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया जिसमें हम सबने प्रॉफिट बुक किया है, उसके बाद ये ट्रेड हो गया। आप बस देखते रहो, ठीक है। 63 पिप्स का यहाँ पे टारगेट, फिर यहाँ पे एंट्री मिला है 78 पिप्स, फिर यहाँ पे एंट्री मिला है 48 पिप्स, फिर यहाँ पे एंट्री मिला है 35 पिप्स, फिर यहाँ पे एंट्री मिला है 22 पिप्स। एक दिन में अगर मेरा 19,000 1 लाख हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ट्रेड्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो खुली किताब है आपके सामने, जो चाहे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये चीज मेरे से पॉसिबल है तो ये आप भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। अभी यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे भी लॉस है, ठीक है। तो 4 लॉस मेरे यहाँ पे हुए हैं। अभी हम मैं आपको ना काउंट बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सो आउट ऑफ 10 ट्रेड्स हमारा एक ट्रेड में, मतलब एक सिग्नल में, आउट ऑफ 10 सिग्नल्स एक सिग्नल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब इसके हिसाब से अपना जो ऑल्गो है उसका एक्यूरेसी क्या है, आप मुझे परसेंटेज में कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है। सो ये है खासियत। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम ट्रेड करते हैं, जिनके पास ब्लूप्रिंट ऑफ गोल्ड है, मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि कहां पे अवॉइड करना है, कहां पे एंट्री करनी है। लेट्स से का एग्जांपल ऑफ दिस, तो यहां पे एंट्री मिली है बट हमें जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हमें एंट्री यहां पे करनी नहीं है। सो यहां पे लेवल ब्रेक हो गया, उसके बाद आप एंट्री कर लो एंड देन ले लो प्रॉफिट, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आफ्टर ब्रेकआउट ये ऊपर आ चुका है लगभग 33-35 पिप्स के आसपास, यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है। इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला, ये तो हमने लाइव में ही देखा था, ये देखो यहाँ पे तो क्लियर है, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे सेल बिलो सिग्नल मिला हुआ है और सेल बिलो सिग्नल मिलने के बाद सिंपली हमें वही चीज करनी है जो हम डेली कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद ट्रेड ले लो। ऊपर जाएगा आपको डराएगा बट आपको डरना नहीं है, और सिंपली आपको एक ही चीज करनी है, 20 पिप्स का एसएल लगा दो। अभी एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, 20 पिप्स का एसएल मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका एसएल, सो 20 पिप्स का एसएल लगाओ। अभी यहाँ पे 22 पिप रनिंग है, ऑलरेडी चल रहा है ट्रेड, और बाकी प्रॉफिट्स तो आपके सामने है बॉस, ठीक है, कि क्या कितने कितने पिप्स के टारगेट मिले हैं। सो मुझे एक बात बताओ, 78 पिप, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको 78 पिप मिलेंगे, नो, आपको 50-60 पिप मिलेंगे, ठीक है। जितना हाई, मतलब एग्जांपल अगर 100 पिप का टारगेट मिला है, हमें तो 100 पिप नहीं मिलेंगे, हम यहाँ पे थोड़ी एग्जैक्टली 78 पिप पे थोड़ी ना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। लेकिन मेरा आपको यही कहना है कि अगर आप विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट, विद द हेल्प ऑफ ऑल्गो, अगर आप सिर्फ 20 पिप्स भी कैप्चर कर पाओगे ना, तो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप अच्छे से कर सकते हो, आपका जो कैपिटल है उसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, 19,000 के कैपिटल से मैंने एक एक लॉट में ट्रेड कैसे किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या ये पॉसिबल है क्या, तो जरूर पॉसिबल है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, हाँ, और मैं ऑल्गो को बंद कर रहा हूँ, ऑल्गो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये देखो, अभी एग्जांपल मैंने एक लॉट में एंट्री करी है, मेरे पास 20,000 है, उसमें से
10-11 हज़ार रुपए यूज होता है टू ट्रेड। तो मैंने वहां पे क्या किया था, एक छोटा सा एसएल लगाया हुआ है लगभग 8,000 का, छोटा मतलब वो छोटा नहीं है, रिस्क बड़ा ही है, बट 8,000 का एसएल मैंने लगाया था। अच्छा, 8-10 हज़ार का एसएल मैंने आज मॉर्निंग में लाइव में भी लिया हुआ है, वो आपने देखा, 8,000 का एसएल लिया और बाद में 20,000 समथिंग बुक कर लिया। सो वो इजी है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एंट्री किया है, तो जैसे ही वो ट्रेड अपना प्रॉफिट में आ रहा है तो मेरे पास 19,000 ही है, उसमें से मैंने 11,000 रुपए लगाए हुए है। एक बार आपका कैपिटल यहाँ पे बढ़ता रहता है ना, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपका यहाँ पे कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो वो जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है उसको भी आप तुरंत यूज कर सकते हो, प्रॉफिट बुक करने से पहले आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक लॉट शॉर्ट किया है और मेरा 19,000 का हो गया 30,000, मैंने और एक लॉट शॉर्ट कर दिया, फिर नीचे आ गया, मैंने और एक लॉट शॉर्ट कर दिया। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। टाइमिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, टाइमिंग मतलब ये टाइमिंग मैच मत करना, यू जस्ट सी ये देखो यहाँ पे, ठीक है, 46.23, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 40.41, उसके बाद 3 मिनट के बाद ये लॉट लिया हुआ है, उससे पहले ये लिया था 40.08 पे, उससे पहले ये लिया था 36.55 पे। तो इस प्रकार से आप समझ गए। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास 15-20 हज़ार 50,000 का कैपिटल है, 5,000 का भी कैपिटल है तो भी ये पॉसिबल है। बट अगर आपके पास 5,000 कैपिटल है तो आप 0.01 में ट्रेड करोगे, बट 0.01 ये आपका इनिशियल एंट्री रहेगा। एक बार आप प्रॉफिट में आ गए और एक लॉट ऐड कर लो, मतलब 0.01 और एक ऐड कर दो 0.01, इस हिसाब से आपका टोटल वॉल्यूम ऐड होगा। सो एग्जांपल अगर इन शॉर्ट में बताना चाहूं, आपकी टोटल कैपेसिटी है कि आप एक लॉट बाय कर सकते हो, तो उस केस में आपको 0.20 के 5 ट्रेड करने हैं। 0.20 ले लो, 0.20 ले लो, 0.20 ले लो, और कहाँ पे लेने हैं, आपने पहला एंट्री कर लिया, बाद में अगर वो नीचे आ गया, मैंने कई बार अभी वही वो भी हुआ है कि पहला एंट्री मेरा महंगा हुआ है और बाद में जो एंट्री हुआ है वो सस्ता हुआ है, बिकॉज मुझे नीचे मिल गया। तो जहां पे मैं 2 लॉट 3 लॉट एक साथ में बाय कर सकता हूँ, वहां पे मैंने क्या किया, पहला एक लॉट लिया, फिर मैंने नीचे आने दिया, या फिर जो भी है प्रॉफिट में अगर जा रहा है तो भी मैं ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ये ऊपर ही जाना है तो मुझे प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ना ही है, मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है ना कि मैं प्रॉफिट में आया हूँ। दूसरी बात, अभी एग्जांपल मैंने एक लॉट लिया है और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है 8,000-10,000, अगर आपने दूसरा लॉट ऐड कर दिया और वापस वो कॉस्ट टू कॉस्ट गया, तो आपका क्या जाएगा, जो 8,000 रुपए आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वही तो माइनस होने वाला है, आप समझ गए। तो ऑन द स्पॉट जो प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया है, उस प्रॉफिट के ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेक प्रॉफिट लाइक दिस। तो ये वीडियो आपके उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, उनको भी ये काम आएगा। और अपना डेली लाइव होता है लंदन सेशन का, जो 12:30-1 बजे के आसपास चालू होता है, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में मिलेगा, फटाफट जाइए फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ज्वाइन करना है ब्लूप्रिंट ऑफ गोल्ड, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है, फटाफट कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आ जाइए गोल्ड के ब्लूप्रिंट में। तो मिलते हैं ग्रुप में, टिल देन बाय बाय।